शिवरात्रि का महापर्व है और बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश की तरह करनाल जिले में भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। सुबह से ही भक्त जो है अपने आराध्य का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से तैयारियां जो है आज के दिन के लिए की जा रही है, क्योंकि कई खास कार्यक्रम आज दिन भर रहने वाले हैं जिनमें सुबह से लेकर कल तक जलाभिषेक होगा। इसके अलावा शोभा यात्रा निकाली जाएगी, हवन यज्ञ होंगे, रुद्राभिषेक कई स्थानों पर होगा। तमाम तैयारियां जो है आज के इस महायोजन को लेकर की जा रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से मंदिर में जो लोग सुबह से ही एकत्रित हो चुके हैं और तमाम तैयारियां जो आज के आयोजन को लेकर की जा रही हैं। क्या कुछ महत्व है आज के दिन का? शिवरात्रि तो है ही, लेकिन शास्त्रीय गणना क्या कुछ कहती है आज, उसको जानने के लिए हमारे साथ ओंकार शर्मा जी हैं। ओंकार जी, क्या कुछ विशेष महत्व है आज का? शिवरात्रि तो है ही है। सबसे पहले तो महेंद्र जी, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और आपका स्वागत है मंदिर में। आप आए, आज विशेष मुहूर्त है। पहले तो क्या होता था, जलाभिषेक का थोड़े समय का मुहूर्त होता था, आज सारा दिन ही लगभग सुबह से शुरू हो जाएगा और कल सारी रात्रि और कल सुबह तक का इतना लंबा मुहूर्त मेरे ख्याल कई वर्षों के पश्चात आया है। और महाशिवरात्रि में जैसे भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, तो विशेष महत्व ये होता है, कई गुणा फल मिलता है महाशिवरात्रि पूजा अर्चना करने का। और आज हमारे मंदिर लक्ष्मीनारायण मंदिर में लगभग 12 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि के पर्व पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और साथ में भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये है कि मैं सभी से अपना आग्रह करना चाहूंगा, सभी शिव भक्त शिव विवाह में शामिल होएं और भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। तो बिल्कुल देखिए, आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी, खास तैयारियां आज के लिए की गई हैं। कुछ और लोग भी उनसे जान लेते हैं। तो शास्त्री जी, आज दिन भर क्या गतिविधियां मंदिर में रहेंगी? सुबह कितने बजे से लोग जो है आना शुरू हो चुके थे? सभी भक्तों को पहले तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज प्रातःकाल सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का तांता लग चुका है और आज लक्ष्मी नारायण मंदिर सभा की ओर से लक्ष्मी नारायण मंदिर से चल करके शोभा यात्रा पूरे गोंडा की परिक्रमा करते हुए और दोबारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही आएगी और आकर के भंडारे का प्रसाद बांटा जाएगा। सभी से गोंडा के साथ महादेव जी का जलाभिषेक किया जाएगा और कल प्रातःकाल सुबह 4 बजे फिर हवन किया जाएगा। सभी से मेरी प्रार्थना कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शोभा यात्रा में पहुंच करके इसकी शोभा बढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। तो बिल्कुल देखिए, आज भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव का समय है और ऐसे में शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी। क्या कुछ भव्यता रहेगी, क्योंकि कई तरह के आयोजन आज दिन भर होने वाले हैं, चाहे हवन यज्ञ की हो, जलाभिषेक की हो और अब शोभा यात्रा की बात आ रही है। तो इस बार जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ संदेश जो है शिव भक्तों को दिया जाएगा? सभी को शिव रात्रि की हार्दिक बधाई हो। इस वर्ष लक्ष्मीनारायण मंदिर से 12 वर्षों के बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर बाहर से आए हुए बहुत कलाकार आपको अपनी कला दिखाएंगे, बाहर से आए हुए बैंड और जिसके अंदर खास तौर पे एक बीन पार्टी बुलाई गई है बाहर से, कि जो अपनी कला दिखाकर लोगों को रिझाएगी। मेरा सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि शोभा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए। उसके बाद ही भंडारे का आयोजन किया गया है कि यात्रा के समापन पर भंडारा व्रत के लिए अलग है और जो वैसे है उनके लिए अलग है। सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि शोभा यात्रा में पहुंचे और भंडारे का आनंद ले। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, आज शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से श्रद्धालु जो है मंदिरों में अब सुबह से ही एकत्रित हो चुके थे और तमाम तैयारियां, चाहे वो भगवान शिव के जलाभिषेक की हो, क्योंकि इस बार देखने को मिला है कि पहले मार्च के महीने में इतनी संख्या में लोग कांवड़ लेकर नहीं आते थे, लेकिन इस बार संख्या बहुत ज्यादा है। एक लंबी कतार है जो हरिद्वार से लेकर गंतव्य स्थानों तक लगी हुई है। इस बार डाक कांवड़ का प्रचलन भी इस महीने में काफी ज्यादा, तो ऐसे में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह की तैयारियां आज के दिन के लिए की गई है वे बेहद खास है। सुबह 4 बजे से ही जो देवालय खुल चुके थे और अब दिन भर और रात को भी जलाभिषेक जो है महारुद्र का जारी रहेगा और आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस बार 2 दिनों तक शिवरात्रि मनाई जाएगी। तो ऐसे में शिव भक्तों को एक अच्छा अवसर मिलेगा अपने आराध्य को प्रसन्न करने का, मनाने का, उनसे मनोकामना पूर्ण करने का। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।